दोस्तों मैच खत्म होने के बाद हमें रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच जबरदस्त बहस होती हुई दिखाई दी। जी हां दोस्तों, आज मुंबई गुजरात के खिलाफ जीता हुआ मैच हार गई, जिसके बाद रोहित काफी निराश थे क्योंकि उन्होंने काफी अच्छी शुरुआत दिलाई थी। जब मैच खत्म होने के बाद हार्दिक पांड्या रोहित से मिलने गए तो हार्दिक पहले तो उन्हें गले लगाते हुए दिखाई दिए, और जैसे हार्दिक गले लगाते हैं रोहित घूम कर हार्दिक से गुस्से में कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं। रोहित शर्मा हार्दिक से किसी बात से खुश नहीं थे, वो काफी देर तक उन्हें कुछ समझा रहे थे। कमेंटेटर्स का कहना था कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी शायद रोहित को पसंद नहीं आई, वो चाहते थे कि टीम डेविड से पहले हार्दिक बैटिंग करने आए, लेकिन हार्दिक ने टीम डेविड को पहले भेज दिया। शायद इसी कारण से रोहित खुश नहीं थे, इसलिए वो हार्दिक को काफी देर तक समझा रहे थे। दोस्तों आपकी राय में अगर आज रोहित कप्तान होते तो क्या मैच का नतीजा कुछ और होता? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।